नमस्कार दोस्तों, आजकल एक नाम हर जुबां पे चर्चा का विषय बना हुआ है और वो नाम है प्रिंस ऑफिसर्स एकेडमी। अभिभावक पूछते हैं आखिर ये प्रिंस ऑफिसर्स एकेडमी क्या है। ऑफिसर बनना हर बच्चे का और ऑफिसर बनाना हर अभिभावक का सपना होता है और ऑफिसर अनेक पदों पे अनेक तरीकों से बना जा सकता है, लेकिन प्रिंस ऑफिसर्स एकेडमी में क्या खास है? मैं बताना चाहूंगा कि प्रिंस ऑफिसर्स एकेडमी सीकर शहर में पालवास रोड पे 70 बीघा से अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ एक शिक्षण संस्थान है। पहला कैंपस कक्षा 6 to 11 तक का है और दूसरा कैंपस क्लास 12th और 12th पास्ट बच्चों के लिए है। दोनों ही कैंपस एक्सक्लूसिवली रेजिडेंशियल हैं और दोनों ही कैंपसेज में बच्चों को OLQs के लिए वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार किया जाता है। मैं बताना चाहूँगा कि कैंपसेज में बच्चों का जो रूटीन है वो डिफेंस कैंपसेज लाइक NDA कैंपसेज लाइक रहता है, जिसमें सुबह 5 बजे से बच्चों की एक्टिविटी शुरू होती है और रात को 10 बजे तक एक शेड्यूल्ड फ्रेमवर्क में एक्टिविटीज चलती है। अब यहाँ ऑफिसर्स एकेडमी जैसा क्या है, तो प्रिंस ऑफिसर्स एकेडमी में बच्चा क्लास 6 to 10 में और 11th 12th में या 12th पास्ट एक नहीं दो नहीं लगभग 10 सब्जेक्ट की स्टडी करता है और वो सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जनरल साइंस एंड अदर। मीन्स एक बच्चा उन सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहा है जिनके माध्यम से वो भविष्य में NDA हो, CDS हो, IAS हो, स्टेट PCS हो या किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो जिसमें जनरल स्टडीज को महत्व मिलता है, उस हर एग्जाम का क्यूरिकुलम बच्चा कवर करता है। OLQs का डेवलपमेंट, आप प्रिंस ऑफिसर्स एकेडमी, प्रिंस सैनिक स्कूल, प्रिंस NDA एकेडमी के बच्चों को देखेंगे तो वो भीड़ में अलग ही दिखेंगे, क्योंकि बच्चों का OLQs ट्रेनिंग प्रोग्राम गत कई वर्ष से चलता है। OLQs क्या होते हैं? ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, 15 OLQs हैं जो न केवल डिफेंस ऑफिसर्स के लिए बल्कि हर प्रतिष्ठित कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इंटरव्यू में चेक किए जाते हैं। OLQs को पढ़ना आसान है, जीना मुश्किल है, इसलिए प्रिंस ऑफिसर्स एकेडमी, प्रिंस सैनिक स्कूल, प्रिंस NDA एकेडमी में बच्चों को OLQs न केवल सिखाया जाता है बल्कि OLQs को जीना सिखाया जाता है। और जब एक बच्चा OLQs को एक साल नहीं कई सालों तक जीता है तो उसके व्यक्तित्व में जो निखार आता है वो अलग ही देखने को है। आप इस कैंपस को देख सकते हैं, दो पार्ट में फैले 70 बीघा से बड़े इस कैंपस में हर स्पोर्ट्स के ग्राउंड्स हैं। बास्केटबॉल के दोनों कैंपसेज में 3 ग्राउंड बने हुए हैं, फुटबॉल के 2 ग्राउंड बने हुए हैं, हैंडबॉल के 2 ग्राउंड बने हुए हैं, उसके साथ ही बैडमिंटन, नेटबॉल, वॉलीबॉल, आर्चरी के साथ ही जिम है और इन सभी चीजों के बीच इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स हैं। GTO ऑब्स्टेकल्स के माध्यम से बच्चों को SSB के लिए तैयार किया जाता है। जो बच्चा कहे कि मुझे तो फौज में ऑफिसर नहीं बनना, तो भी वो देखेगा कि प्रिंस ऑफिसर्स एकेडमी में जो स्पोर्ट्स प्रैक्टिसेस वो कर रहा है, जो टास्क प्रैक्टिसेस कर रहा है, वो बच्चे में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज डेवलप करती हैं, उसमें निर्णय की क्षमता डेवलप करती हैं, उसमें सहयोग की, कोऑर्डिनेशन की भावना डेवलप करती हैं, लीडरशिप की भावना डेवलप करती हैं, जो हर इंटरव्यू में देखी जाती है। स्विमिंग पूल भी है, उसके अलावा भी बहुत सारे स्पोर्ट्स की सुविधाएं प्रिंस ऑफिसर्स एकेडमी में बच्चों को मिल रही है। अब आ जाते हैं विभिन्न एक्टिविटीज पे। प्रिंस ऑफिसर्स एकेडमी में होने वाली रेगुलर एक्टिविटीज कॉम्पिटिशंस जैसे स्पीच, डिबेट, एसे राइटिंग, इन सभी के माध्यम से बच्चों में पावर ऑफ एक्सप्रेशन डेवलप की जाती है। विभिन्न सब्जेक्ट्स के माध्यम से बच्चे पावर ऑफ नॉलेज एक्वायर करते हैं और विभिन्न एक्टिविटीज के माध्यम से पावर ऑफ एक्सप्रेशन डेवलप करते हैं, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑफिसर बनाने से पहले इंटरव्यूज के माध्यम से, रिटन टेस्ट के माध्यम से चेक की जाती है।
रिजल्ट्स के तौर पे आप देख सकते हैं देश भर में एक या दो तीन SSB रिकमेंडेड कैडेट्स का चयन होना भी संस्था के लिए गर्व का विषय होता है। लेकिन प्रिंस सैनिक स्कूल प्रिंस NDA अकेडमी एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसने विगत केवल एक वर्ष में 30 SSB रिकमेंडेड कैडेट्स दिए, जो अपने आप में रिकॉर्ड ही नहीं महारिकॉर्ड है। अब कोई बच्चा कहे या अभिभावक कहे कि हमें तो डिफेंस फोर्सेज में जाना ही नहीं है, तो भी मैं कहना चाहूँगा कि प्रिंस ऑफिसर्स अकेडमी का जो मॉर्निंग टू इवनिंग शेड्यूल है, जो क्लासरूम में कवर होने वाले 10 सब्जेक्ट्स हैं, जो यहाँ की एक्टिविटीज है, जो OLQ ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो बच्चे को जो भविष्य में सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है, IAS, IPS, RS, स्टेट PCS ऑफिसर बनना चाहता है, मैं कहना चाहूँगा कि कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है या खुद का बिजनेस करना चाहता है या पॉलिटिकल लीडर बनना चाहता है, कोई भी सेक्टर हो, ये OLQs, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का स्पोर्ट्स, यहाँ के 10 से अधिक सब्जेक्ट्स एक बच्चे को हर क्षेत्र के लिए तैयार करते हैं। इसलिए क्लास 6 टू 10th, 11th, 12th या 12th पास्ट जो स्टूडेंट्स भविष्य में ऑफिसर बनने का सपना रखते हैं, वो प्रिंस ऑफिसर्स अकेडमी से जुड़ें। तो नए सत्र के बैचेज प्रारंभ हो चुके हैं, अप्रैल माह है, एडमिशन का रहेगा। मैं उन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को आमंत्रित करता हूं जो भविष्य में ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि प्रिंस ऑफिसर्स अकेडमी, प्रिंस सैनिक स्कूल की जर्नी एक विद्यार्थी में एक वर्ष में उसके व्यक्तित्व निर्माण में आमूलचूल परिवर्तन डेवलपमेंट दिखाएगी। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, नमस्कार।